मोतिहारी जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के चिलझपट्टी में नहर में डूबने से दो बच्चियों की मौत मंगलवार को हो गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड के शुक्ल पाकर पंचायत के चिलझपट्टी निवासी उमेश यादव के 16 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी एवं अमर यादव के 10 वर्षीय पुत्री रुमाली कुमारी मंगलवार को घर से बाहर निकली हुई थी। इसी बीच पैर फिसल जाने से नहर में डूब गई और दोनों की मौत हो गई। बच्चियों के डूबने की खबर परिजनों एवं ग्रामीणों को मिली। खबर मिलते ही लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चियों की खोजबीन में जुट गए। काफ़ी देर के बाद दोनों बच्चियों को शव मिला। बच्चियों को मृत देख परिजन दहाड़ मारकर सबसे लिपट कर रोने लगे। लोग लाख समझा रहे थे लेकिन परिजन रोते रोते बेहोश हो जा रहे थे। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सुगौली रक्सौल मुख्य पथ पर बच्चियों के शव को रखकर चिलझपट्टी के समीप सड़क जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित ग्रामीण वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़ गए थे। घटना की सूचना थानाध्यक्ष विवेक जसवाल को मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विवेक कुमार जसवाल, अंचलाधिकारी एसआई सुनील तिवारी, एएसआई मोहम्मद औरंगजेब खान एवं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने लोगों को समझाया बुझाया और हर संभव मदद करने की बात कही। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को हटाया। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। आपका सर देखा जा रहा है यहाँ पे जो लगातार जो है अभी दो यहाँ पे जो है बाढ़ से डूबने से मौत हो गई सर, इसके बारे में आप प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा? और हम यही लगेंगे सबसे पहले इनका मुआवजा मिला जाए जी, ठीक है ना जी। दूसरे में हम लोग का जो बाढ़ राहत का यहाँ पे अभी से यहाँ से वहाँ तक जो बांध टूटा हुआ है जी, उसका निर्माण किया जाए जी। निर्माण होगा या नहीं होगा हम लोग को इसी वक्त अभी फाइनल चाहिए जी। फाइनल मिलेगा तो हम लोग रोड ब्लॉक छोड़ेंगे, नहीं तो चाहे दो महीना लग जाए रोड ब्लॉक हम लोग नहीं तोड़ेंगे। मृतक के लिए दो मृतक के क्या लगे आप भाई लगते हैं?